नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय महाराज, बीएम कुकिंग्स में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरमा टमाटर। उसको अपन स्टफ्ड टमाटर बोलते हैं, स्टफ्ड टमाटर, भरमा टमाटर एक ही रेसिपी है। आइए गैस चालू करते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल, पहले मसाला बना लेते हैं। तेल गर्म हो गया है हमारा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अभी इसमें डालेंगे हरा मिर्ची। हरा मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें, कितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डाल दें आप। चलो मिर्ची को वैसा होने देंगे। ये हमारा जैन ही रहेगा। अभी इसमें डालेंगे, हमने केला लिया है, केला पहले से घिस लिया था, वो केला डाल देंगे इसमें। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, नमक अपने स्वादानुसार। हम छोटा आधा चम्मच छोटा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें डालेंगे पनीर, हमने पनीर घिस के लिया था थोड़ा, तो थोड़ा पनीर डाल देंगे इसमें। अभी थोड़े डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप हाथ से क्रश करके ऐसे डालें, हाथ से घिस के डाल दें थोड़ा क्रश करके। अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मसाला रेडी है। अभी टमाटर का हमने पहले बीज निकाल लिया था ऐसे, अभी इसमें ये मसाला हमने वे केले का बनाया था वो भरेंगे। और ऊपर से लगाएंगे इसमें अरारोट, इसमें ऊपर से ऐसे लगा के ऐसे रख देंगे, उसमें क्या है हमारा मसाला है ना, जो मसाला बाहर नहीं आएगा हमारा। ऐसे एक एक करके सब भर लेंगे। तो ये हमारा सब भर गया है, थोड़ा सा मसाला बचा है हमारा, ये मसाला उसमें ग्रेवी में डाल देंगे हम। अभी आइए, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा ही डालना है हमको, दो चम्मच जितना बस। अभी टमाटर इसी में रखेंगे और टमाटर अपने उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेंगे इसमें। टमाटर को उलट पुलट करके सेक लेंगे दो मिनट, इसको होने देंगे, थोड़ा ढक देंगे। अभी खोल के देखते हैं, और ये टमाटर हमारे एक साइड में सेक चुके हैं, तो अभी दूसरी साइड में ऐसे पलटी मार के दूसरी साइड में भी सेक लेंगे, ऐसे पलटी मार के दूसरी साइड में भी सेक लेंगे। ये हमारे टमाटर सेक चुके हैं, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आइए अभी ग्रेवी बनाते हैं इसका। गैस को चालू कर देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। अभी इसमें डालेंगे मगजतरी, जो हमने खरबूजे का बीज जो हमारा था, कलेंगर का बीज, वो डाल देंगे इसमें। दो मिनट इसको पकाएंगे, सिर्फ दो मिनट।
अब इसमें डालेंगे टमाटर, जो टमाटर का ग्रेवी हमने रखा था, पीस के रखा था टमाटर, वो डाल देंगे इसमें। और टमाटर के साथ में ही हमें डालना है मिर्ची पाउडर। इसमें क्या है, हमारा कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा एक चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने, बाकी मसाले बाद में डालेंगे। थोड़ा पकने देंगे 2 मिनट इसको, तो 2 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अभी खोल के देखते हैं। अभी इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। हमने आधा छोटा चम्मच लिया है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी। पानी से क्या, हमारे मसाले अच्छे से सिक जाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे। पाँच मिनट इसको ढक के पकाएंगे। तो देखो एकदम ग्रेवी हमारा पक चुका है। अभी इसमें डालेंगे जो हमारे मसाला जो भरा था उसमें स्टव, वो डाल देंगे इसी में। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि हमारा घट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हल्का सा ही डालेंगे पानी, एक चम्मच, थोड़ी एक बड़ा चम्मच। दो मिनट पकने देंगे इसको, थोड़ा ढक के पकाएंगे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट है। तो हमारा 2 मिनट हो गया है, अभी खोल के देखते हैं। एकदम ग्रेवी हमारा एकदम रेडी है। अब इसमें डालेंगे जो टमाटर, चम्मच की सहायता से मसाला इनके ऊपर चढ़ाएंगे। अभी हल्का सा इसमें डालेंगे बटर, डाल देंगे थोड़ा सा बटर, से क्या टेस्ट इसमें अच्छा आ जाए। अभी हमारा ग्रेवी एकदम स्टफ टमाटर रेडी है, तो गैस को अभी बंद कर देते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोस्तों हमारा भरमा टमाटर रेडी है, अब इसको निकाल लेते हैं बाउल में। तो दोस्तों हमारा भरमा टमाटर रेडी है, इसको बाउल में निकाल लेते हैं करके। तो दोस्तों हमारा भरमा टमाटर रेडी है। तो दोस्तों हमारा स्टफ टमाटर की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।